ये क्वेश्चन और है आपका फ्री बॉडी डायग्राम का। इसमें दो सिलेंडर्स हैं जिनके दोनों सिलेंडर आइडेंटिकल हैं और दोनों के वेट भी बराबर हैं। W1 W2 250 न्यूटन है, आइडेंटिकल है, तो उसका रेडियस R1 R2 150 मिलीमीटर है। एक बॉक्स में रखा है जो 1560 मिलीमीटर अपार्ट है और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी सी और डी बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमको रिएक्शन सपोर्ट पे आर ए आर बी आर सी और आर डी को कैलकुलेट करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अगर आप दोनों सिलेंडर को देखें, तो अगर आप सिलेंडर ओ टू को देखते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका 1 2 टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो 2 रिएक्शंस और 1 वेट है। इसको अगर आप देखेंगे तो डी सी और बी 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब 3 अननोन रिएक्शन सी डी और बी से निकल के आएगा, तो 3 अननोन है और 1 वेट है, क्योंकि ये कॉन्करेंट फोर्स की कंडीशन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि ओ टू का पहले एफबीडी बनाएंगे और उसके बाद ओ वन का बनाएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हम ओ टू के फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर हम जाते हैं तो हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि हम एफ बी डी ऑफ ओ टू सिलेंडर हम बना रहे हैं। तो अगर हम ओ टू सिलेंडर का एफ बी डी देखें तो मान लेते हैं कि ओ टू को एक सर्किल से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ओ टू है वाला सर्किल है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है, ये आपका इसका सेंटर है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ए से देखेंगे तो एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन इधर आएगी, और वर्टिकल प्लेन है तो रिएक्शन हॉरिजेंटल आएगी। तो हमने कह दिया कि एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगी और इसका नाम होगा आर ए, क्योंकि पॉइंट ए है। पॉइंट ओ पे जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और सेंटर से पास होगा, और इस वेट की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं कि कितनी है, 250 न्यूटन। अब आप देखिए, इसमें जो रिएक्शन पास होगी वो दोनों के सेंटर से पास होगी और पॉइंट बी से होते हुए जाएगी, तो जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो दोनों के सेंटर से होता हुआ पॉइंट बी से निकलेगा। तो अगर हम बी के ओ टू के रेफरेंस में देखें तो पॉइंट बी पे एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन जाएगी उधर, और दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें जो रिएक्शन जाएगी आर बी वाली, वो आर बी की रिएक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लेते हैं कि ये एक्स से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये पॉइंट है आपका ओ टू, जिसको हम लामीस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो अब देखिए, हम अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें इस लाइन का इंक्लिनेशन निकाल लें तो हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस लाइन का इंक्लिनेशन निकालने के लिए मान लीजिए एक लाइन ये खींच लीजिए, एक लाइन ये खींच लीजिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो आप ये देखिए इस तरह का एक ट्राइंगल बन जाएगा, बन रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ओ वन बी और ओ टू बी क्या है, रेडियस का सम है। तो रेडियस कितना है, 150 प्लस 150, इट मींस इट इज 300। दिस एंगल इज अल्फा, इसको हम कह रहे हैं अल्फा। और ये डिस्टेंस तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 560 है, 560 में से अगर हम 150 और 150 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 560 माइनस 150 माइनस के 150, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लगाते हैं मान लीजिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 560 माइनस 300, 560 माइनस के 300 माइनस के 300 डिवाइडेड बाय 300, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा बराबर हमारा कॉस इनवर्स, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैंसिल नहीं है, कैंसिल हो, कैंसिल हो, रहने दो। तो ये वैल्यू आ रही है 0.867। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा बराबर आएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 29.63 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 29.63 डिग्री। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया इस ट्रायंगल से। अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो देखिए लामीस थ्योरम लगाते हैं, तो पहले ए वाला पकड़ लीजिए आर ए,
तो आर ए को अगर मैं पकड़ लिया तो आर ए के अपोजिट में दो फोर्स कौन से है? आर ए के अपोजिट में आर बी और 250 है, इनके बीच का हमको एंगल लिखना है, तो इनके बीच का साइन एंगल हमको लिखना है, साइन 90 प्लस अल्फा हमने कैलकुलेट किया है 29.63 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू दूसरा फोर्स पकड़ लीजिए आर बी, आर बी डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, तीसरा फोर्स पकड़ लीजिए 250, तो 250 डिवाइडेड बाई साइन, 250 डिवाइडेड बाई साइन ये वाला पूरा एंगल, तो ये कितना एंगल है 180 में से, ये पूरा 180 है, 180 में से अगर अल्फा माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें तो 180 माइनस अल्फा, अल्फा इज 29.63 डिग्री, तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये लामिस थ्योरम लग गया। अब हम क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कर दें, फिर इन दोनों को कंपेयर कर दें आपस में, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आर ए डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 29.63 कैंसिल हो, जल्दी लो, चलो फोर हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट थ्री टू न्यूटन ठीक, तो आर ए आ गया, तो आर ए आ गया, तो आर बी और इसको फिर दोबारा कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसको रब कर देते हैं और इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, आर बी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय साइन, और इसको कैलकुलेट किया था 150.37 तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी, आर बी की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय साइन 150.67 50.66 न्यूटन आर बी आ गया, तो आर ए और आर बी हमारा आ गया है, और ये किसके डायग्राम से आया है, ओ टू के फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए एफ बी डी और सिलेंडर टू देखते हैं, आर ए आर बी हमारा आ गया है, इस वाले सिलेंडर को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो मान लेते हैं सर्किल है, सर्किल में इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो ओ वन है, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, और वेट दे रखा था 250 न्यूटन, पॉइंट डी पे एक्शन इधर हो रहा है, रिएक्शन इधर होगी, तो रिएक्शन इधर है, दैट इज आर डी, एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, रिएक्शन ऊपर है, दैट इज आर सी, और अब देखिए पॉइंट बी पे एक्शन ऊपर हो रहा है, रिएक्शन नीचे की तरफ होगी, और कितनी होगी, सेम ओ वन ओ टू लाइन को फॉलो करेगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो रिएक्शन है आर बी, जो आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं 505 और कितने एंगल पे 29.63 डिग्री पे अल्फा एंगल पे, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसमें देखिए चार फोर्स है, ये लामी से नहीं सॉल्व हो सकता, ये सॉल्व होगा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन लगाते हैं फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस कौन से हैं, प्लस आर डी है, आप लोगों को दिख रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव में क्या आ रहा है, आर बी का एक्स कंपोनेंट, तो आर बी का एक्स कंपोनेंट है माइनस के आर बी कॉस अल्फा, अल्फा है आपका 29.63 डिग्री बराबर जीरो, तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स माइनस होगा, तो ये एक्स माइनस है आपका,
माइनस आर बी कॉस 39.63। तो आर डी इज इक्वल टू आर बी भी आपको पता है 505.66 और कॉस 29.63 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हम आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो इसकी वैल्यू आ रही है 505.66 कॉस 29.63 बराबर है 439.53 न्यूटन। आर डी आ गया हमारा, तो ये हमारा आर डी भी आ गया। ये आया था हमारा समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन यूज करके। नाउ अगर हमको दूसरा वैल्यू निकालना है दैट इज आर सी, तो हम इक्वेशन लगाएंगे समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो लगा रहे हैं तो प्लस आर सी ऊपर जा रहा है, माइनस 250 250 नीचे आ रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस आर बी। आर बी आपका कितना है 505.66 साइन अल्फा, अल्फा कितना है 29.63। और कोई फोर्स है तो एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। तो ये वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन है, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आर सी की वैल्यू हो गई 250 प्लस 505.66 साइन 29.63 डिग्री। तो इसको देख लेते हैं, तो 505.66 साइन 29.63 बराबर है 249.99 मतलब 250। तो दिस इज इक्वल टू 250 प्लस 250, तो आर सी इज इक्वल टू 500 न्यूटन इज योर आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम का ये भी क्वेश्चन। इसमें देखिए दो सिलेंडर रखे हुए हैं, एक इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल वॉल से सपोर्टेड हुए, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब दोनों का रेडियस बराबर है, दिया नहीं है क्वेश्चन में लेकिन रेडियस इसका बराबर है। तो सिलेंडर है आइडेंटिकल, कैसे है आइडेंटिकल है, दोनों का वेट कितना है W1 बराबर W2 बराबर 150 न्यूटन, इसका भी और इसका भी, दोनों का वेट बराबर है। ऑब्जेक्टिव यह है कि हमको रिएक्शन पॉइंट ए कॉन्टेक्ट बी सी और डी को फ्री करके रिएक्शंस निकालना है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया था। आर ए आर बी आर सी और आर डी की वैल्यू आइडेंटिफाई हमको करनी है, रिएक्टिव फोर्सेस को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को भी, तो अगर आप सिलेंडर वन को देखें ध्यान से, तो सिलेंडर वन में पॉइंट ए पे कॉन्टेक्ट है, पॉइंट बी पे कॉन्टेक्ट है। इस सिलेंडर टू पे देखिए तो कॉन्टेक्ट है 1, 2 एंड 3, तो इस पे 3 अननोन आएंगे फोर्सेस, इस पे 2 अननोन आएंगे। सॉल्व हम कॉन्करेंट कंडीशन में 2 अननोन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम 1 का बनाएंगे। तो 1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके सेंटर से एक वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसका सेल्फ वेट। पॉइंट ए पे एक्शन नीचे की तरफ होगा तो रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर होगी और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। पॉइंट बी पे एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम इस सिलेंडर में एबीडी बनाते हैं, तो देखिए इसका वेट किधर लगेगा, आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है 150 न्यूटन, तो आप इसको 150 न्यूटन लगा दीजिए। एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन आरबी की किधर होगी, ऊपर की तरफ। अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे, बस हमें मालूम है कि रिएक्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है पॉइंट बी से, एक्शन नीचे है रिएक्शन ऊपर है। पॉइंट ए पे देखिए एक्शन किधर है, नीचे की तरफ, रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये रिएक्शन लगा दी, इसको हमने कह दिया आर ए। एक एक्सप्लेन बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि एंगल हम कैसे निकालेंगे। ये है हमारा पॉइंट वन, तो अगर हम कहें कि हम पॉइंट ए को देख रहे हैं तो रिएक्शन ये जा रही है, और अभी हमने आपको बताया था रिएक्शन इसके सेंटर से पास होते हुए जाएगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का एंगल निकालना हो तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये 40 डिग्री है, तो 90 और 40 हो गया, तो ये कितना बचा,
तो 90 प्लस 40 तो जो एंगल बचा उस एंगल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एंगल हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 90 प्लस 40 कितना हुआ 130, और ऑल एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 130 कितना हुआ 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना 50 डिग्री। तो ये एंगल हमने निकाल लिया, आर ए वाला जो एंगल है वो एक्स प्लेन से कितना एंगल पे झुका हुआ है, वो एक्स प्लेन से एंगल पे झुका हुआ है 50 डिग्री, तो दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब आप इस प्लेन पे आ जाइए, आर बी पे आइए, आर बी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रिएक्शन है वो 1 और 2 के सेंटर से पास हो रही है, एक बार अगर ध्यान से देखें तो सी से इसका डिस्टेंस और 1 के पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हुआ तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हुई, तो अगर ये पैरेलल और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो अगर हम इस लाइन का इंक्लिनेशन देखें x से कितना है 40 डिग्री, तो ये लाइन भी x से कितना इंक्लाइंड होगी, दैट इज ऑल्सो एट 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये एंगल हमें क्लियर हो गए, ये हमारा 50 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री। तो अगर हम लामिस लगाते हैं तो अभी हमने आपको बताया था जैसे एक एंग फोर्स पकड़ लीजिए आर ए, तो इसके अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का एंगल साइन एंगल, तो साइन, तो ये एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है 90 प्लस 40, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 40 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 40 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई साइन, तो आर बी डिवाइडेड बाई साइन इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये कितना है 90 डिग्री, तो ये होगा साइन 90 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 न्यूटन। तीसरा वाला फोर्स पकड़ लीजिए 150 डिवाइडेड बाई ये एंगल यहां से यहां तक, तो ये एंगल होगा साइन 180 माइनस 50 माइनस 40 डिग्री, है ना। तो ये हो गया लामिस थ्योरम। तो अब हमको मान लीजिए कि हम पहले दो इन दो को कंपेयर करें, तो आर ए डिवाइडेड बाई साइन 130 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई साइन, ये कितना हुआ 549, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 150 मल्टीप्लाइड बाई साइन 130 डिग्री 114.91, तो यहाँ से आर वन आर ए आ गया 114.91 न्यूटन आर ए आ गया। अब हम आर बी पे जा रहे हैं, तो अगर हम आर बी को कैलकुलेट करेंगे तो इसको और इसको कंपेयर कर दें, तो आर बी डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 50 हुआ साइन 140 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, दैट इज आर बी इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई साइन 140, तो दैट इज 96.42 न्यूटन। तो ये आर बी हमारा आ गया, तो पॉइंट सिलेंडर ए के दो कॉन्टेक्ट पॉइंट ए और बी का रिएक्शन आ गया है आर ए और आर बी। ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग आर ए एंड आर बी विल गो फॉर एफबीडी ऑफ सिलेंडर टू। तो एफबीडी ऑफ सिलेंडर टू पे अगर हम जाते हैं, सिलेंडर टू के एफबीडी पे एक तो वेट हमने जैसे पिछली बार देखा था दैट इज 150 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा, बी पे रिएक्शन एक्शन इधर हो रहा था रिएक्शन उधर जा रही थी पिछले उसमें एफबीडी में, तो इसमें रिवर्स रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी आर बी, ठीक। आर सी एक्शन नीचे है तो रिएक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे पिछले वाले में
आर ए गया था ऊपर की तरफ, वैसे ही आर सी ऊपर की तरफ चला जाएगा। और एक डी पॉइंट पे वर्टिकल सपोर्ट है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगी, उधर। तो ये है आर बी। एंगल दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले में जो हमने कैलकुलेट किया था उसी को दोबारा लिख रहे हैं, तो वही वैल्यू आएंगी 40 डिग्री ये, और 50 डिग्री यहां से यहां तक का एंगल है 50 डिग्री। अब ये लामी से नहीं सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो हम मान लेते हैं कि फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस देखेंगे, आर डी एक्स में तो प्लस आर डी, आर सी का एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, आर सी का एक्स कंपोनेंट हुआ आर सी कॉस पचास, आर सी कॉस पचास, और कॉस पचास हो गया कॉस 50, और क्योंकि ये फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए एक्स इसका माइनस है, तो माइनस आर सी कॉस 50 डिग्री। आर बी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है और कॉस कंपोनेंट माइनस आर बी कॉस 40 डिग्री बराबर जीरो, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो इसमें से हमको कुछ पता है, हमको पता है आर बी 96.41, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आर डी माइनस आर सी कॉस 50 को देखते हैं, कॉस 50 डिग्री है 0.64, तो 0.64 आर सी इज इक्वल टू आर बी, हमें पता है 96.41, तो आर बी है 96.41 कॉस 40, तो ये हो गया 73.85, दिस इज 73.85, दिस आई कैन सेट एज इक्वेशन वन। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो वाई डायरेक्शन के अगर हम फोर्सेस को ध्यान से देखें तो एक तो माइनस 150 है, माइनस 150 हम लिख देते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे इसमें माइनस आर सी कॉस 50 है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर सी का वाई कंपोनेंट साइन होगा, यहाँ अगर कॉस है तो वहाँ साइन आ जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई प्लस होता है, तो वाई प्लस होता है मतलब प्लस आर सी और कॉस 50 की जगह साइन 50 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में वाई माइनस होगा, तो वाई माइनस होगा और यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन होगा, माइनस आर बी, आर बी है 96.41 कॉस 40 डिग्री बराबर जीरो। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि आर सी साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 96.41 कॉस 40 डिग्री प्लस 150, दोनों को एक तरफ ले जाए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 96.41 कॉस 40 प्लस 150, तो 96.41 कॉस 40 ये वैल्यू आ गई, 73.85 प्लस 150, तो ये आ रहा 223.85, ये आ रहा है आर सी साइन 50 डिग्री, तो आर सी इज इक्वल टू 223.85 डिवाइडेड बाई साइन 50 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन 50 इज इक्वल टू 292.22 न्यूटन आर सी की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू 292.22 इन इक्वेशन अबव इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन को अगर हम ध्यान से देखें तो आर डी इज इक्वल टू 73.85, और इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो माइनस 0.64 आर सी, और आर सी की वैल्यू कितनी है 292.22, तो हम इसको हटा करके
ब्रैकेट में 292.22 लिख देते हैं। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.64 इंटू 292.22 बराबर 187.02। तो ये वैल्यू आ रही है 73.85 - 187.02। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको माइनस कर देते हैं 73.85 से, 73.85 113.17 माइनस के 113.17, सॉरी ये प्लस होगा, ये वैल्यू इधर आई है ना माइनस साइन था, तो ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 113 नहीं होगा, 73.85 प्लस 187.02, तो 73.85 प्लस 187.02 दैट इज 260.87, तो दैट इज 260.87 न्यूटन, दैट इज आर डी। तो आर डी आ गया आपका 260.87 न्यूटन, आर सी आ गया 292.22 और आर बी आपका आया था 96.41 न्यूटन और आर ए इज इक्वल टू 114.91 न्यूटन। तो ये चारों आंसर्स आ गए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। अब हम अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।